हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हंसाओ मत भाई, वीडियो बना रहे हैं। 20 फरवरी, 20 फरवरी को रेलवे, देखो आपको पता है रेलवे जब भी रिक्रूटमेंट अभी कर रहा है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ना पता चल के पहले किसी न्यूज़पेपर में पता चलता है या फिर किसी अन्य सोर्सों से पता चलता है। तो अभी इन्फॉर्मेशन ये है कि 20 फरवरी से स्टेशन असिस्टेंट स्टेशन मास्टर लगभग 50,000 पोस्ट। अब ये मुझे नहीं लगता कि यार ऑल ओवर इंडिया में क्या 50,000 स्टेशनों पर स्टेशन मास्टरों की ज़रूरत है, मतलब 50,000 असिस्टेंट स्टेशन मास्टर मिला के पूरे भारत में 50,000 स्टेशन हुए। तो सही भी लगता है, गलत भी लगता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन यही है कि 20 फरवरी से अप्लाई होगा। फीस वही रहेगी 500-250 जो चल रहा है शुरू में, लोको पायलट और टेक्नीशियन और ग्रुप डी में जो मांगा था वही सेम मांगा है। इसमें एलिजिबिलिटी आपको पता है ग्रेजुएशन होना चाहिए, अन्य कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। अगर है तो अच्छा है, नहीं तो नहीं है तो कोई भी बात नहीं है, मांगा नहीं है और होता भी नहीं है। बाकी जब ये अप्लाई होगा उससे पहले अभी कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, कौन सी बुक, कैसी बुक और क्या कैसे रहेगा, सिलेबस में क्या चेंज रहेगा वो सारा बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन है कि 20 फरवरी से इसका अप्लाई डेट होगा, 50,000 के आसपास इसमें पोस्ट होंगी, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की पोस्ट होंगी, शायद गुड्स गार्ड भी इसमें सम्मिलित हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन ये है कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की ही जॉब होगी ये, जिसमें कि 50,000 पोस्ट होगी। बुक्स, सिलेबस, पैटर्न सब कुछ मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। और अभी टेक्नीशियन और ग्रुप डी इसका भी मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, तो अभी पटना में आ चुका हूँ तो अब आपको अच्छे से बता दूंगा। ये पीछे एक साथी हैं, उस मतलब दिखा दूंगा बाद में इनका इंटरव्यू लेके। अभी इंटरव्यू नहीं लूँगा, अभी ये सक्सेस हो जाएंगे जब इनका इंटरव्यू लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, कुछ पूछना हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। बुक्स, पैटर्न, सिलेबस कैसे कैसे करना है ग्रुप डी और टेक्नीशियन एएलपी के लिए वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।